नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर, देखिए ये 1 जुलाई की रिपोर्ट है और 1 जुलाई में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर लो प्रेशर एरिया हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर फ्लो कर रहा है, खासतौर से पूर्वी भागों पर, जिसकी वजह से कानपुर से लगाकर हम बोल सकते हैं कि इसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई से, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर से गोरखपुर और आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इससे के जो नज़दीकी के जिले हैं, जैसा लखीमपुर खीरी, बहराइच, सरवस्ती, बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज से लगाकर और आसपास के भागों पर देवरिया, मऊ, बलिया के भागों पर भी यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी पर आ सकता है। सोनभद्र के आसपास के भागों पर, वाराणसी, यहां पर बारिश की संभावनाएं कम है, मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल आएंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर संत रविदास नगर से कौसाम्बी और प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, जालौन से लगाकर कई भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बरेली से लगाकर आगरा, मथुरा और मैनपुरी, फरुखाबाद, शाजापुर, कन्नौज और औरैया, इटावा, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है, यानी कि मॉइस्चर रहेगा, बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें सहारनपुर के और बिजनौर के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। सहारनपुर से नीचे लगाकर दोस्तों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से और आसपास के भागों पर हाथरस से बदायूं, कासगंज, संभल और अमरोहा, हापुड़, यहां पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। कुछ भागों पर बादल दिखेंगे जरूर, लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक जो है वो कम नजर आ रही है, यानी कि 50-50 का जो जो बारिश की संभावना है वो 50-50 है। कुछ भागों पर यानी कि हो भी सकती है और कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आके आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भागों पर सिर्फ धूप ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है 1 जुलाई में। आगे की रिपोर्टों पर भी अगर दोस्तों हम नज़र डालते हैं, 2 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां और थोड़ी सी कम हो जाएंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। हालांकि देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश पहले से ही काफ़ी कम देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि दोस्तों जो मॉइस्चर यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है वो यहां से अरब सागर से पहुंच रहा है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होकर पहुँच रहा है, जबकि यहाँ तक पहुँचने में वे जो नमीदार हवाएँ हैं वे काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर कम होता है हवाओं में और मॉइस्चर कम होने की वजह से बारिश की गतिविधियाँ कम देखने को मिलती है। तो 2 जुलाई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने का आसार है। बारिश की गतिविधियां जो आज के मुकाबले है वो काफी कम रहेगी। 3 जुलाई में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि नया मौसमी सिस्टम एक और डेवलप होगा, कई इलाकों पर बारिश अच्छी खासी होने के आसार है। इसी प्रकार 4 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी, कई इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के फिर से आसार बनेंगे। 5 जुलाई में भी कई इलाकों पर फिर से मध्यम से तेज और भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। और दोस्तों 6 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों 7 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की आशा। और दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां देखो उत्तर प्रदेश पर कम जरूर होंगी अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन 4 जुलाई से फिर से उत्तर प्रदेश के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां लौट कर आएंगी और कई इलाकों पर फिर से भारी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। मानसून एक्टिवेट फिर से यहां पर होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।